हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानी सबकी में। मैं हूं अनीश और मैं आपसे आज बात करने वाला हूं हमारे एक सीरियल किसर बॉय यानी कि इमरान अनवर हाशमी के बारे में, जिनका जन्म 24 मार्च 1979 को मुंबई में हुआ था और वो मुंबई यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएट हुए। उसके बाद परिवार वालों ने उनको कहा कि जाओ कुछ काम करो यार, तो उसके बाद वो गए महेश भट्ट यानी कि उनके रिश्तेदार महेश भट्ट के पास और वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करने लगे। तो उसके बाद क्या था कि वो कुछ काम नहीं करते थे, महेश भट्ट उनको बोलते थे कि जाओ कुछ काम करो, मतलब कुछ भी करने बोलते थे, वो कुछ करते नहीं थे, सिर्फ बैठे रहते थे। तो फिर महेश भट्ट ने एक डिसीजन लिया कि इस लड़के को एक फिल्म में लॉन्च कर देता हूँ, तब शायद ये सुधर जाए। तो उन्होंने फुटपाथ फिल्म से इमरान हाशमी को लॉन्च कर दिया। उसके बाद क्या था, 2004 में फिर मर्डर आया, तो फिल्म इंडस्ट्री में जो धमाका मचाया मर्डर ने, तो वो किसी फिल्म ने नहीं मचाया उस साल। उसके बाद जहर आया, गैंगस्टर आया, ये सब फिल्में आने के बाद उन्हें सीरियल किसर मान लिया गया। वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई ग्रैंड सक्सेस रहा इमरान हाशमी के लिए। फिर अगर हम इनके इंटरनल यानी कि फैमिली के बारे में अगर हम जाने, तो इनकी मम्मी महारा हाशमी 11 मार्च 2016 में दुनिया छोड़कर चली गई। और अगर हम अंदर देखें इनके बैकग्राउंड के बारे में कि महेश भट्ट से इनका रिलेशन क्या है, तो इनकी नानी का नाम, इमरान हाशमी की जो नानी थी उनका नाम मेहरबानो मोहम्मद अली था, उर्फ पूर्णिमा, जो कि एक एक्ट्रेस थी पुराने ज़माने की। और उनकी बहन का नाम था शीरीन मोहम्मद अली। तो इमरान की नानी और जो उनकी बहन थी शीरीन मोहम्मद अली, वो महेश और मुकेश भट्ट की मम्मी रही। तो इमरान की नानी और महेश और मुकेश भट्ट की मम्मी दोनों ही बहनें थीं। तो इस तरीके से इनका इंटरनल रिलेशन देखा जाता है। अगर हम देखें इमरान हाशमी के कज़न को, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे मोहित सूरी, पूजा भट्ट, राहुल भट्ट, आलिया भट्ट, ये सब इनके कज़न्स हैं। इमरान की शादी परवीन शाहनी से हुई 2006 में और फिर इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम आयान हाशमी रखा गया। साल 2010 में इमरान के बेटे को कैंसर हुआ और लंबे इलाज के बाद वो ठीक हो गए। तो फिर क्या हुआ कि इमरान ने एक उसके ऊपर बुक भी लिखा, किस ऑफ लाइफ, जिसमें उनके बेटे के कैंसर से लड़ने की कहानी बताई गई है। फ्रेंड्स, इमरान की एक क्वालिटी है कि वो ना किसी से डरते हैं और ना किसी से दबते हैं, बस अगर हीरोइन कोई मिल जाए तो उसे किस करना नहीं भूलते। तो ये हुई इमरान की कहानी, आपने सुना, आपने जाना इन्हें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें इस वीडियो को। एंड आपको ऐसे वीडियो डेली चाहिए तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहूँ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।